मध्य प्रदेश के महेश्वर को कौन नहीं जानता, इसकी कहानियां तो हम सब ने पढ़ी है। पर आज नगर महेश्वर की स्थिति उससे भी बेहतर हो गई है। नगर परिषद के चुनाव को 2 साल पूरे हो गए, पर मजाल है कि नगर की विकास के नाम पर एक ईंट भी लगाई गई हो। कोई भी नामांतरण हुआ हो, कोई भी पट्टे वितरित किए हो, आवास योजना में किसी गरीब का घर स्वीकृत हुआ हो, मौलिक सुविधाओं के लिए रोज नागरिक परेशान हो रहे हैं। पैसों की मांग लोगों को व्यथित करे जा रही है। कुछ लोग जन भावनाओं की कद्र करते हुए इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ भी रहे हैं, पर नगर के बुद्धिजीवी लोग खामोश हैं। ये वही महेश्वर के लोग हैं जो शंकराचार्य को चुनौती देने की ताकत रखते हैं, पर यहाँ खामोश है। नगर का वो गरीब जिसकी आंखें 2 साल से अपने बरसात में टपकते घर की जगह पक्के घर का सपना देख रही है, और उसके बच्चे रोज गीले में सोने को मजबूर हैं, पर उनकी आंखों के आंसू किसी को व्यथित नहीं करते। नालियों में गंदगी और पनपते मच्छर और उससे बीमार पड़ते लोग, ये दृश्य कहीं ना कहीं ऐसा दिखाते हैं जैसे कि नगर परिषद और नगर के डॉक्टरों का आपस में गठबंधन हुआ है कमीशन पर। पर हम ऐसी विकट परिस्थितियों में भी गलत का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब अब अत्याचार सहने के आदि हो चुके हैं। पर कब तक अंधे नगरी में भू माफिया के चंगुल में रहेंगे? कब तक लोगों के आंसुओं को नज़रअंदाज करेंगे? कब तक अपने बच्चों की बीमारी को सहन करेंगे? महेश्वर से विशाल अम्बेडकर की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।